गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आइए क्लास सिक्स का सोशल साइंस हम लोग पढ़ेंगे आज। पढ़ लिए थे, कुछ पढ़े थे, कुछ बचा हुआ था। आइए, यहाँ तक हम लोग ने डेट्स इन हिस्ट्री ये पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आइए देखते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री इसका मतलब होता है इतिहास का स्रोत। कह रहा है कि हाउ डू द हिस्टोरियंस फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, फॉर दिस दे हैव टू स्टडी द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द डिफरेंट सोर्स आर लाइक द डिफरेंट पीस ऑफ ए ग्रह जिग्स ऑफ पजल्स विच आर कलेक्टेड एंड पुट टुगेदर टू ट्रेस द स्टोरी ऑफ द पास्ट। द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगोरीज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। मतलब ये इतिहासकारों के अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? कह रहा है कि हाउ डू द हिस्टोरियंस फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, इतिहासकारों के अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? इसके लिए उन्हें इतिहास के विभिन्न स्रोतों का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना होगा। ठीक है, कह रहा है अलग अलग स्रोत एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह है जिन्हें इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, कह रहा है और अतीत की कहानी का पता लगाने के लिए एक साथ उसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। कह रहा है इस स्रोत सामग्री के दो श्रेणियों हैं, पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। जिसको क्या किया गया है? टू कैटेगरीज। कह रहा है द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। उसको दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अब क्या कह रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातत्व खोज। कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर दोज ऑब्जेक्ट और रिमेन्स ऑफ द पास्ट विच हैव सर्वाइव। रिमेन्स ऑफ द पास्ट, कह रहे हैं फिर से आइए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर दोज ऑब्जेक्ट और रिमेन्स ऑफ द पास्ट विच हैव सर्वाइव टिल नाउ। दीज आर द डायरेक्ट एविडेंस डैट गिव अस आइडियाज अबाउट द पास्ट, रुइंस ऑफ द बिल्डिंग, टूल्स, कह रहे हैं क्वाइंस, पीस ऑफ पोएट्री, स्टोन्स, ज्वेलर्स इन द पास्ट डीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। द आर्कियोलॉजिकल एक्सट्रैक्टिव दीज मटेरियल्स, कह रहा है स्टडी एंड एनालिसिस देम टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट इन दिस वे दे आर, कह रहे हैं दे ट्राई टू नो अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। समझते हैं, कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स का आर्कियोलॉजिकल समझ पुरातत्विक स्रोत। कह रहा है कि पुरातत्विक स्रोत जो है अतीत की वह वस्तुएं या अवशेष है जो अब तक क्या है? जीवित है। कैसे जीवित है? बहुत सारे ऐसे चीज जब खुदाई होती है जमीन की तो बहुत सारे ऐसे चीज मिलती है जिससे पता चलता है किसके बारे में? हमारे पास्ट के बारे में। ठीक है, इसलिए कहा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। कह रहा है कि जो अब तक क्या है? जीवित है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमें अतीत के बारे में क्या करता है? अतीत के बारे में विचार देते हैं। इमारत के खंडर, बड़े बड़े इमारत के जो खंडर हैं, उपकरण के सिक्के, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थर, अतीत, ये सभी में इस्तेमाल किए गए आभूषण आदि सभी पुरातत्विक स्रोतों के क्या है? उदाहरण है। ये सभी क्या है? पुरातत्विक स्रोतों के ही उदाहरण है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स ने इन सामग्रियों की खुदाई की है, वे अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए विश्लेषण करते हैं। इस तरह वे अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्स की क्या है? इस तरह निम्न क्या है? प्रकार है। आइए अब कह रहे हैं माउंटेन्स। कह रहे हैं अब देखिए माउंटेन्स, फोर्स प्लेस, कह रहे हैं ग्रास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, हाउस एंड अदर कंस्ट्रक्शन गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज द कंस्ट्रक्टेड टू बी अ माउंटेन्स। कह रहे हैं माउंटेन्स, पहाड़, फोर्ट्स, प्लेस, कह रहे हैं माउंटेनियर, टेम्पल्स, हाउस, ये सभी क्या है? सब क्या है? क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। कह रहा है एंड अदर कंस्ट्रक्शन गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है अबाउट द हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारा जीवन शैली, लाइफ स्टाइल के बारे में, उस समय के लोगों का जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसा था। एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज द कंस्ट्रक्टेड टू मॉन्यूमेंट, ये सभी स्मारक जो है क्या करता है? कहीं ना कहीं इससे हमें क्या मिलती है? पुरानी बातों के बारे में पता चलता है। आइए कह रहा है इंस्क्रिप्शन, कह रहा है रिटन रिकॉर्ड्स
engraved on a hard surface like rocks, pillars, stones and the metals, whereas seeds, stones, slabs are called inscription. मतलब ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों हैं जो क्या किया गया है, लिखा हुआ भी हमें क्या बनता है उससे पता चलता है, किस चीज़ के बारे में, हमारे अतीत के बारे में. ठीक है, जैसे रॉक चट्टान, कई बहुत पुराने चट्टान आपको मिलेंगे तो इस पर बहुत सारी चीज़ लिखी होती है जो आज उसको पढ़कर, जब जो इतिहासकार हिस्टोरिकल आते हैं तो उसको पढ़कर बताते हैं कि ये क्या है, हमारे अतीत के बारे में है. ठीक है, पिलर्स पे लिखा जाता है, लिखा था पहले लोग लिखते थे, स्टोन्स पे भी कुछ लोग लिखते थे, मेटल शीट्स पे भी लिखते थे. ठीक है, स्लैब्स आर कॉल्ड, ये सभी क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन. दे इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ द कैरेबिक ट्री इन द बैटल्स, ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा के क्या आदेश थे, राजा की युद्ध जो हुआ क्या तरह हुआ, सारे चीज़ों का वर्णन कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स से मिल जाता है. रिकॉर्ड ऑफ डोनेशन टू द टेम्पल्स, उस समय जो टेम्पल के लिए जो डोनेशन दिया जाता था उसके भी रिकॉर्ड्स होते थे. डिटेल्स अबाउट द नेम्स एंड द डेट्स, नेम के साथ और डेट के साथ लिखा जाता था, ऑफ द किंग, ठीक है, राजा का, द एक्सटेंट ऑफ देयर किंगडम, कैसे उसका साम्राज्य कितना बढ़ता था, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता था, वर्णन किया जाता था. कह रहा है इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द सर्टन पीरियड, ठीक है, कह रहा है द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं. ठीक है, कह रहा है आर्ट फैक्ट्स, जो कलाकृतियां क्या थी, आर्ट फैक्ट्स मतलब कलाकृतियां, द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज द ह्यूमन इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्ट फैक्ट्स. कह रहा है जो दृष्ट लोगों का जो चीज बनाया गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा इन पास्ट में, आर कॉल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट फैक्ट्स. जैसे जस्ट लाइक आई गिव यू एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू योर बुक, फॉर एग्जांपल पोएट्री ले लीजिए, ठीक है, टूल्स ले लीजिए, वेपन्स, ज्वेलर्स, ये सभी चीज़ों जो है क्या कहते हैं, बनाया जाता था. मेनी ऑब्जेक्ट वर डिस्कवर्ड, बहुत सारे इस तरह की खोज की गई, ठीक है, बाय द किसके द्वारा, आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, वाइल डिगिंग आउट ऑफ वेरियस, कह रहे हैं एंशियंट साइट्स, कह रहे हैं दीज ऑब्जेक्ट टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ द पास्ट, उस जीवन शैली के बारे में, उस समय के लोगों का कैसा जीवन शैली था, कैसा लाइफ स्टाइल था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स से ही पता चलता है. अब ये क्वाइंस, इसकी भी क्या कुछ भूमिका रहा होगा. क्वाइंस कह रहे हैं मेंशन द नेम्स ऑफ द किंग, राजाओं का नाम उस पर मेंशन किया जाता था, गॉड्स एंड डेट्स लिखा जाता था उस पर, द है दिस हैज हेल्प अस टू द, ठीक है, फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ द किंग एंड देयर डेंसिटी, उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, मदद होता था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि जानने के लिए, ठीक है, जब डेट और सारी चीज़ मिल जाते थे तो, ठीक है, किंग अभी भी मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो पुराने सिक्के अगर मिलेंगे तो आप देखिएगा उस पर बहुत लिखा होता है राजा का नाम, ठीक है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है अभी सब, ठीक है, जो भी है अब उसको जो है वहाँ रख दिया, संग्रहालय में रख दिया गया है, ठीक है, म्यूजियम में. कह रहा है कि क्वाइंस टेलस अबाउट द ट्रेड एंड द कॉमर्स ऑफ द टाइम, दे वर द मेंटेन, क्वाइंस ऑफन हैड द इमेज ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडेस, ठीक है, एंड रिलीजन सिंबल्स व्हिच टेलस अबाउट द रिलीजियस बिलीव ऑफ दोज टाइम्स, द डिजाइन एंड द पॉलिश ऑफ द क्वाइंस टेलस अबाउट द आर्टिस्टिक एक्सलेंस ऑफ द पीपल हु लिव इन दोज पीरियड्स. मतलब ये कि कह रहा है कि क्वाइंस ऑफ इन, अक्सर जो सिक्के जो होते थे उसके जो इमेज होते थे, बनावटी जो होती थी उसको जो है कि गॉड्स या गॉडेस एंड रिलीजियस सिंबल, उस पर सिंबल दिया जाता था, ईश्वर का सिंबल, ठीक है, गॉडेस का ये दिव्य सिंबल दिया जाता था. कह रहा है व्हिच टेल्स अबाउट द रिलीजन्स, ठीक है, जो किसके बारे में, रिलीजन्स के बारे में पता चलता था उसे थे कि ये लोग किस धर्म से बिलोंग करते थे, बिलीव्स ऑफ द टू टाइम्स, द डिजाइंस एंड द पॉलिश ऑफ द क्वाइंस, उस पर अच्छा से डिजाइन भी किया जाता था, पॉलिश भी टेल्स के बताता था अबाउट द आर्टिस्टिक एक्सलेंस ऑफ द पीपल हु लिव दोज पीरियड्स, उस समय लोगों का एक्सलेंस कैसा था. अब लिटरेरी सोर्स देखिए, कह रहा है दिस सोर्स इंक्लूड एनी रिटन अकाउंट, कह रहा है लिटरेरी सोर्स यह कह रहा है कि दिस सोर्स इंक्लूड, उसमें शामिल था एनी रिटन अकाउंट, कह रहा है इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स वर हैंड रिटन एंड द वर्ड कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, उस समय लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हाथों से लिखा जाता था जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, लेकिन आज क्या है बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गया है, तो लोग हाथों से भी ना लिखे अपने सिस्टम से, ठीक है, क्या करता है कंप्यूटर पर बैठ कर टाइप करके उसको निकाल देता है, लेकिन पहले ऐसी इतना तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, ठीक है, जो लोगों को अपने हाथों से लिखना पड़ता था, ठीक है. दीज मैन्युस्क्रिप्ट आर द हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स, ठीक है, यही क्या है एक लिटरेरी सोर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, ठीक है. इन द बिगनिंग पीपल रोट इन द स्टोन वॉल्स कॉपर प्लेट्स प्लैम लीव्स एंड द पार्क, कह रहा है बार्क ऑफ द कर्टन ट्रीज सच एज द पिच ट्रीज इट वॉज द ओनली लेटर द पेपर वॉज यूज रिटन. उस समय जो ट्रीज होते थे पेड़, आपको आज भी पता होगा कि आज जो बुक या आप
किताब, कॉपी, ये सभी पर लिखते हैं और पढ़ते जो हैं तो किसी न किसी पेड़ के से ही क्या करता है बनाया जाता है, उसे ही कागज़ क्या किया जाता है बनाया जाता है। इस तरह उसमें भी यही चीज़ होता था। धीरे धीरे हमारा साइंस क्या हुआ, डेवलप करता चला गया। लिटरेरी सोर्स में यही पता चलता है, ठीक है, कि पुराने जो कल्चर थी वो किस तरह की कल्चर थी, ठीक है। रिटर्न सोर्स जो लोगों के द्वारा जो है लिखा जाता था, ठीक है, हाथों से लिखा जाता था, जिसको हम लोग क्या मैनुस्क्रिप्ट्स कहते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट डे आप हम लोग का थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, तब तक इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे जितना हम पढ़ाए हैं। मेरा वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू फॉर टुडे।